काउंसिल। दूसरी बात, तार हमने पावर हाउस है, तुम्हारी आमदनी जो है घटती जा रही, बिल देते देते तुम मरते जा रहे हो। यहाँ जो बैठे हैं ना लंबरदार, आज इनका जो है ठीक से शुगर और बीपी की दवा दी जाएगी। ये कोई अधिकारी है, सुबह से पानी अभी तक नहीं आया है, कोई आवाज सुन रहा है? अगर पानी की रिपोर्ट अभी 10-15 मिनट में नहीं कोई बताई जाती है तो सभी लोग, मलिक साहब अभी हम विधानसभा की तरफ चल रहे हैं, पंचायत वही कराएंगे। साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हरिराम वर्मा जी मौजूद हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, विद्युत संबंधित समस्याएं हैं? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले साल ये ऐलान करा था कि जो भी किसानों की बिजली संबंधित समस्याएं हो उसका हल निकाला जाएगा। मीडिया के जो प्रिंट मीडिया है और जो न्यूज़ चैनल है उन पे सब पर एक खबर चली थी कि आज से उत्तर प्रदेश के निजी नलकूप किसानों की बिजली फ्री, लेकिन वो 1 अप्रैल से अभी तक वो बिजली फ्री नहीं हो पाई है। हम आज जो है शक्ति भवन ये है, यहाँ पर अपनी बात कहने आए हैं। अगर आज निजी नलकूप किसानों की बिजली फ्री करने का ऐलान ना हुआ, माफ़ी नहीं हुई, तो आज ये किसान नहीं जाएगा। और आज हम यहाँ पर बैठे, एक अदालत हमारी इधर है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के भाग्य के फैसले लिए जाते हैं। वो एक अदालत का वो जो मेन मुखिया है, यहाँ से पीछे आपके ठीक 1.5 किलोमीटर उनका आवास है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज यहाँ कुछ भी होगा, या तो किसान लाठी गोली खाएगा, या तो निजी नलकूप किसानों और जो बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है उस समस्या के समाधान, वो 4 जोन में उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग बटा है, उन 4 जोनों के अधिकारियों से मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में बैठक तय होगी। और बैठक ही नहीं, उस समस्या का समाधान नहीं होगा तो आज शाम तक के या तो सरकार को लाठी प्रशासन को चलाना पड़ेगा, अन्यथा इस समस्या के बिना समाधान के कोई जाने वाला नहीं है। बड़ी तादाद में अध्यक्ष जी यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या माना जाए दिल्ली की तर्ज पे लखनऊ में भी आंदोलन शुरू हुआ? अरे ये कोई तादाद थोड़ो, इतने लोग तो एक जिले में इकट्ठा हो जाते हैं, कोई संख्या थोड़ो है। हमने किसी को बुलाया नहीं, हर जिले से कहा था 10-15 लोग आ जाना, किसी जिले से 20-25 आ गए, कहीं 50-100 आ गए होंगे। हमने किसी को बोला, कितने जिलों के यहाँ पे किसान इकट्ठा है? नहीं, आए तो हमारे 75 के 75 जिलों से हैं, लेकिन वही लोग आए हैं जिनकी बिजली की समस्या है। और एक मैसेज हमने कहा था कि शक्ति भवन पे उन लोगों को आना है जो हमारी इस समस्या के समाधान का मैसेज गांव ग्रामीण तक ले जाएं। सरकार ने हमारी बात को क्या सुना क्या नहीं सुना, नहीं सुनते हैं तो इनका हम राम भक्ति जो है उसका प्रचार करेंगे, इनका गांव-गांव गली-गली कूचे-कूचे हम भी इनका जो है प्रचार करेंगे। एक सवाल और रहेगा, क्या ये जो विद्युत संबंधी जो समस्याएं हैं उसी के तहत आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, या MSP वगैरह जो और भी किसान की समस्याएं हैं उसको भी आप उठा रहे हैं? तो किसान की समस्या है, लेकिन MSP का जहां मुद्दा उठता है तो नो डाउट है कि इस बार सरकार ने जो धान की खरीदारी किया है उसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन आलू किसानों को भी MSP चाहिए, टमाटर किसानों को भी MSP चाहिए। अभी हम गुजरात गए थे, बिजली की समस्या है, हम जहाँ पर खड़े हैं आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली की लाइनें लगाई जाती हैं सीधे किसान के खेत में लगा दी जाती हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं गुजरात का मॉडल यहाँ लागू कर दिया जाए। वहाँ जब हमने देखा तो खेत और खेत के मेड़ के बीच में लाइनें ले जाई जाती हैं। अभी गेहूँ की कटाई होगी, गेहूँ जब पकेगा तो किसान की कहीं तार टूटने से फसल जल रही, कहीं गन्ना जल रहा, कहीं अरहर जल रहा, गेहूँ जल रहा। हालांकि ऊपर वाला तो किसान पर भी मेहरबान नहीं होता, अभी बेमौसम बरसात हुई है, किसान का इतना नुकसान हुआ है कि किसान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का बर्बाद हो गया है। अभी कोई प्रशासन से कुछ मिलने आए हैं, कोई अधिकारी से संपर्क हुआ है? अभी कोई नहीं आया है, आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देखा जाएगा, अभी देखते हैं आगे की क्या रणनीति रहेगी। अरे आगे की रणनीति बता दिए, आगे की रणनीति अगर समस्या का समाधान बिजली माफी नहीं हो कोई जाने वाला नहीं है। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हरिराम वर्मा जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे भी बात करेंगे, धर्मेंद्र मलिक से, और जानेंगे कि आगे की क्या कुछ उनकी रणनीति है।
भारतीय किसान यूनियन आ राजनैतिक ने आज शक्ति भवन का घेराव करा है। उनका कहना है विद्युत संबंधित जो समस्याएं हैं उसके तहत हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र मलिक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन आ राजनैतिक के। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ समस्याएं थी आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हजारों की तादाद में? देखिए, पिछले 2-3 साल से किसान इस संघर्ष से जूझ रहा है कि जो सामान्य योजना के तहत किसानों को नलकूप के कनेक्शन दिए जाते थे उसका आदेश तो कोई जारी नहीं किया गया, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। जब सरकार ने घोषणा की कि डार्क जोन में कनेक्शन दिए जाएंगे, लंबे समय से कनेक्शन बंद थे, तो करीब 20,000 से 25,000 कनेक्शन उस समय स्वीकृत हुए, लोगों के एस्टिमेट जमा हुए, लेकिन 5-6 साल होने के बावजूद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिले। जब किसानों ने बार बार कार्यालय पर जाकर पता किया तो उन्हें कहा गया कि आप पूर्ण जमा योजना के तहत कनेक्शन ले सकते हैं, सामान्य योजना का बजट सरकार के पास नहीं है। कृषि उद्योग का विषय नहीं है, किसान खेती देश के लिए करता है न कि अपने लिए, और तमाम सुविधाएं समय समय पर सरकार द्वारा किसानों को दी जाती रही हैं। ये एक इतनी बड़ी सुविधा किसान से ले ली गई कि जितना एक नलकूप को लगाने में खर्च होता है उससे अधिक कनेक्शन लेने का खर्च हो गया। तो 10-10 लाख रुपए अगर नलकूप पे किसान के खर्च होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कर्जदार होगा, और कर्जदार होगा तो आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। धर्मेंद्र जी, एक राजनीतिक सवाल रहेगा, जिस तरीके से जो पहले की सरकार थी कांग्रेस और अब जो बीजेपी का कार्यकाल है, किसानों के हित में कैसा रहा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है? नहीं, देखिए, सब सरकार एवरेज है, किसानों के लिए हर सरकार की वही पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। पूंजीवादी और उदारीकरण की नीतियां हर सरकार अपनाती है, तो सरकार कोई भी हो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ छोटी छोटी सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली की घोषणा की गई है, लेकिन आज भी किसान असमंजस में है कि है भी या नहीं, क्योंकि किसान के पास बिल आ रहे हैं। लाभ मिला है किसी किसान? नहीं, किसान का लाभ ये है कि अभी वो बिल जमा नहीं कर रहे, लेकिन उनके बिल आज भी उनके पास पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका भी एक नोटिफिकेशन जारी हो। सम्मान निधि से भी कुछ लाभ हुआ है, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो सरकार ने नए शुरू किए हैं, लेकिन किसानों का जो असली सवाल है MSP का, वो अभी अधूरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में लागत पर 1.5 गुना देने की बात कही थी। देश भर में किसान आंदोलनरत है, जब तक किसानों के वाजिब फसलों का मूल्य का सवाल हल नहीं होगा तब तक देश के किसान का भला नहीं हो सकता। खाद और यूरिया की जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, उनका वजन भी कम कर दिया गया, आप सहमत हैं? देखिए, सरकार क्या करती है कि महंगाई ये दिखाने के लिए कि महंगाई ना बढ़े, तो पहले नीम कोटेड यूरिया लेकर आए तो उसमें 5 किलो वजन कम कर दिया गया, अब सल्फर कोटेड यूरिया लेकर आए 5 किलो और घटा दिया गया। हमारा ये कहना है कि तीनों विकल्प किसान को मिलने चाहिए, जो उसके लाभ का होगा वो उसको ले लेंगे, लेकिन वो जो साधारण यूरिया था वो बाजार में नहीं मिलता, तो इससे किसानों का नुकसान हुआ है, उसके 5 किलो 10 किलो का नुकसान हुआ। अगर आप लोगों की इन समस्याओं का हल ना निकले तो आगे अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम पूरे इस तैयारी के साथ आए हैं कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा हम यहाँ पे जमे रहेंगे। समाधान होने के बाद ही, विशेष रूप से बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के बाद ही हम यहाँ से वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र मलिक थे, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के। आगे दिखाते हैं जो किसानों के हालात, जो तादाद है वो भी, किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, ट्रैक्टरों से किसान यहाँ पहुँचे हैं। और आपको बता दें, ये रोड जो है पूरा ब्लॉक कर रखा गया है, और जो हालात हैं जो वो भी दिखाते हैं यहाँ के, जो और यहीं पे वो किसान जो है वो लेटे हुए हैं। अलग अलग जिलों से जो किसान यहाँ है, माता जी कहाँ से आई है, कहाँ से आई है बस बता दीजिए? कुंडा से आई है। बिजली की समस्या है क्या? बहुत है हमारे यहाँ बिजली का बहुत समस्या है, हर महीने निकालते हैं, कहीं 800 कहीं 1000 रुपया, कोई कमती नहीं है। अगर हो जाता है तो इसको ब्याज भी लगा लेते हैं, क्या हमारे लोग किसान को मारा जाता है, इसीलिए हम लोग अनुरोध करते हैं। ताली बजा के किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जो किसान जिस तरीके से बैठे हैं और किस तैयारी के साथ आए हैं,
वो भी आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कालीने बिछा दी गई हैं। रात के 2 बजे किसान यहाँ आके कूच कर चुके थे। ये शक्ति भवन है और यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग जो है वो संभाला जाता है। और ये जो पूरे हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसान यहाँ पे आए हैं और वो अपने भोजन की व्यवस्था भी करके आए हैं। यहाँ पे किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है, पूरी सब्जी दाल चावल यहाँ पे बनाया जा रहा है। पानी का बंदोबस्त नहीं है, हालांकि किसान ने अभी पानी की भी मांग करी है कि पानी का बंदोबस्त कराया जाए, नहीं तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अब जो है किसान आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगा के वो भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जिलों से किसान आए हुए हैं। अभी हमने बात करी प्रदेश अध्यक्ष से हरिराम वर्मा से, तो उनका कहना है कि हमने 10-12 ही लोगों को एक जिले से बुलाया है। अभी हमारा आह्वान ये नहीं हुआ है कि प्रदेश भर के जो किसान हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हों। हाँ, अगर हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो हम प्रदेश भर के तमाम किसानों को यहाँ बुलाएंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।